वीडियो के पूरा स्केप नहीं करे, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पूरा देखेगा तब एक्टिवेट कर सकते हैं विंडो 10 का, कोई भी विंडो एक्टिवेट कर सकता है। वीडियो किधर से भी कट होएगा, आप एक भी पॉइंट इसमें मिस करेगा तो भी एक्टिवेट नहीं होएगा आपको विंडो। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए, अब देख के बाद में ट्राई करें एक्टिवेट करने का। ओके दोस्त, बाय, थैंक्स, टेक केयर, वॉच फुल। चलिए मैं अभी बताएगा कि विंडो 10 को एक्टिवेट करते कैसे करते हैं। जब फॉर्मेटिंग करेगा तब को एक्टिवेट करना सख्त ज़रूरत होते है, उसका एक्टिवेट करने पड़ते हैं। चलिए आई विल टीच यू हाउ टू कैन विंडो 10 एक्टिवेट। जैसा वो कैसे आप क्या वजह से एक्टिवेट करने पड़ता है, क्या इसका प्रोसीजर एक्टिवेट करने का, तो वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं शॉर्टकट में बताऊँ तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसको कुछ भी आप वाली पेपर अप्लाई करेगा तो आपसे नहीं अप्लाई होएगा। क्योंकि नहीं अप्लाई होएगा तो एक्टिवेट नहीं रहेगा, आपको विंडो तक अप्लाई नहीं होएगा, रियल में नहीं होएगा अप्लाई। ओके, तो जैसा इसमें डाला है इसमें डाला है तो जो ही विंडो है वही अप्लाई होएगा, दूसरा नहीं अप्लाई होएगा। एक तो यह प्रॉब्लम है। सेकेंड में आप देखिए, इधर से राइट क्लिक करके इधर जाइए तो आपको विंडो में आपको मालूम हो जाएगा इसमें विंडो नॉट एक्टिवेट है। इसमें आप देख सकते हैं विंडो नॉट एक्टिवेट है, इसलिए कि आपको वॉलपेपर नहीं सेट हो रहा है। सेकंड में आपको बार बार ईरो मैसेज आएगा, सम कुछ मैसेज आ जाएगा और एक दो रोज हो जाएगा तो ये जगह पर आपको विंडो का सेटिंग अब आएगा। तो ये विंडो मैक्सिमम 30 डे में आपको क्रॉस हो जाएगा, 30 डे चलेगा, 30 डे के बाद में क्रॉस हो जाएगा। तो इसका प्रोसीजर है, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ कि हाउ टू एंड एक्टिवेट योर विंडो एंड यूज योर लॉन्ग लाइफ टाइम। मतलब जब एक्टिवेट कर देते हैं आपको विंडो को तो आप लाइफ टाइम यूज करने का चांसेस में रहते हैं थोड़ा लॉन्ग यूज करने के लिए, क्योंकि आपको विंडो को कुछ करप्ट ना हो तब तक। ओके, वही प्रोसीजर में बताने वाला वही चीज़ हिसाब से। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाके इधर जाना होगा। इसमें आपको दो तीन ऑप्शन मिलता है, तो अपडेट सिक्योरिटी के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। जैसे अपडेट सिक्योरिटी के ऑप्शन में क्लिक किया, इसमें विंडो सिक्योरिटी में जाइए। विंडो सिक्योरिटी में जाने के बाद इससे भी ओपन कर सकते इधर से, तो ओपन सिक्योरिटी, ओपन सिक्योरिटी करके ये 12 कर लीजिए फर्स्ट एंड एंटीवायरस में क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेगा ये सेटिंग कुछ ओपन होगा, इस पर टिपिए। देखिए मैं ये 3-4 लोगों ऑफ किया है, इसका भी देखिए एक इधर इसका भी ऑफ करिए। अब में ये ऑन होएगा शायद ये चीज़ ऑफ करने का। ओके, एंटीवायरस का कुछ भी प्रोग्राम नहीं छोड़ने का। मैं दिल से बोलता हूँ एक भी प्रोग्राम अगर है तो आपको विंडो नहीं एक्टिवेट होएगा 100% शोर है मैं। ओके, तो ये चीज़ बंद करने के बाद कंट्रोलर में जाइए, इसमें भी सब ऑफ मिलेगा। कुछ इस पार्ट में भी आता है अप्लाई में कुछ ऐसा, तो ये सब में भी आपको कहीं भी मिले सिक्योरिटी, इधर भी है कुछ तो इसमें क्या नहीं मिलेगा वो विंडो वाल, हाँ इसमें मिलेगा कुछ सिक्योरिटी इधर से। तो देखिए ये सब अभी ऑनेबल है, बट डिसेबल करने का मैं बताऊँगा, ये भी डिसेबल करने पड़ेगा, बट अभी नहीं, मैं देखता हूँ पहले अप्लाई करके। ओके, तो स्टेप पर एक्टिवेट करने के लिए लिधर आके इसमें क्लिक करिए, इसमें क्लिक करेगा कुछ स्टेप पर फिर एक्टिवेट कोड मिलेगा आपको। ओके, तो इसमें आप ऐसा क्लिक करिए, क्लिक करने के लिए बाय कोड मिलता है, इसमें नहीं जाइए, आपको फ्री कोड लेना। ओके, तो ऐसा इसमें क्लिक कर दीजिए, आपको फ्री कोड मिल जाएगा इधर से। तो इस टाइप का ये जो कोड देख रहे हैं ना, ये पूरा एक्टिवेट का कोड है, सही है। तो आप इसमें से नहीं लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि इधर से नहीं लीजिए, जो मैं प्रोसीजर देखा रहा हो आप वही भी अप्लाई करें तो वह बेस्टर है। तो इसमें से नहीं लीजिए, इसमें से कोई भी नहीं लीजिए। हाँ, हाउ टू एक्टिवेट योर विंडो 10, हाँ ये वाला लीजिए। हाँ ओके, ये आ गया ना, ये कोड है। आपको क्या करना है, इसका ये फाइल ओपन करिए। ये फाइल ओपन किया, जैसे इसमें क्लिक करेगा ना तो ऐसा हो गया, कंट्रोल या करिए उसका, आ कंट्रोल सी करके कॉपी करके आपको डेस्कटॉप पर सेव करना है। ऐसा करके एंड न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर नहीं है, टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट में जाने हैं। इसमें जाके आपको इसमें कंट्रोल भी करने को, क्योंकि कंट्रोल भी कर सकते, इसमें कंट्रोल भी कर दीजिए। ये कंट्रोल भी हो गया, सही है। तो देखिए मैं पूरा एक्टिवेट करने का तरीका बता रहा हूँ, विंडो 10 का पूरा एक्टिवेट होगा, भी करके बाद में कंट्रोल एस करिए, ये सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस करेगा, ये सेव हो गया। सेव होने के बाद कुछ इस टाइप का फोल्डर आएगा, आपको यस कर दीजिए, ये सेव हो गया। सेव होने के बाद फिर से ओपन करिए एंड इसमें जाइए। फाइल में जाने के बाद, ये फाइल है, फाइल में जाने के बाद नीचे वाला पेज में
देख सकते हैं नीचे वाला में आप सेव करिए। सेव करके इसमें क्या राइटिंग करने का मालूम है आपको, सेव करने के तरीका डेस्कटॉप पर सेव करिए एंड CMD करके ओके कर दीजिए। एक डेस्कटॉप पर एक फाइल सेटिंग हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आपके पास में नेट होना चाहिए, मैं पहले भी बोल दिया नेट होना चाहिए, चाहे जो भी है विंडो नेट होना चाहिए तो ही एक्टिवेट होएगा। मैं एक बार और रिजल्ट आपको बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए अभी तक मेरा विंडो एक्टिवेट नहीं है, देखिए मैं आपको सामने में प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, मेरा विंडो नॉट एक्टिवेट, ओके। तो इसी का वजह से वाली पेपर भी चेक करें तो वाली पेपर भी नहीं सेव होएगा आपको, जब तक विंडो नहीं एक्टिवेट होएगा तो, और वो 30 DB में यह खलास हो जाएगा। देखिए एक भी ऑप्शन नहीं आता है मेरा लिए, जो एक बार फॉर्मेटिंग का हो गया तो हो गया, और 10 दिन के बाद में देखेगा 10 to 20 days के अंदर में आपको डिस्प्ले पर से अभी पेपर कट जाएगा। इसके लिए विंडो एक्टिवेट करना ज़रूरी है। तो चलिए इसमें राइट क्लिक करिए एंड रन कर दीजिए, यस करिए। तो ये विंडो एक्टिवेटर ऐसा चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे चालू होएगा तो थोड़ा वेट करना है, ओके। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ इधर यही सीन का। तो देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, आप देखिए गौर से देखिए, देखिए नाउ यू ट्राई अगेन, तो प्लीज़ वेट एंड ट्राई अगेन आया, बट वेट करने के लिए बोल रहा है योर विंडो एक्टिवेट। तो देखिए इधर आ गया नाउ सक्सेसफुल एक्टिवेट योर विंडो, देख सकते हैं अभी मेरा विंडो एक्टिवेट हो गया। तो मैं इधर से क्लोज कर देगा, ओके। जैसे मैं इधर से क्लोज करेगा तभी इसका ज़रूरत नहीं है मेरा, फिर भी मैं देख लेता एक्टिवेट हुआ मेरा विंडो नहीं हुआ। तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गया, देख सकते हैं मेरा विंडो एक्टिवेट हो गया। सही है, ये विंडो एक्टिवेट हो गया, पहले नहीं एक्टिवेट था, ओके। अभी एक चीज़ और प्रूफ दिखाएगा, इसमें जाइए एंड देखिए अभी मेरा वाली पेपर जो भी लेगा मेरा वो दे देगा। देखिए जैसे मैं लिया आ गया वाली पेपर, बट पहले नहीं आता था। मैं अभी ये चूज़ करूँगा, ये भी मेरा दे देगा। प्लीज दोस्तों, अगर विंडो एक्टिवेट करने में कोई दिक्कत है तो वीडियो के नीचे दो लिंक होगा, एक लिंक होगा एक्टिवेट का, एक चैनल को सब्सक्राइब करने का। तब दोनों लिंक पर क्लिक करके बेर बेर से आप एक्टिवेट कोड उधर से लग के आप एक्टिवेट कर लीजिएगा, बहुत इजी तरीका से हो जाएगा। जैसा मैं बताया सेम प्रोसीजर आप करेगा, सो ठीक है आपको एक्टिवेट हो जाएगा विंडो। ओके दोस्त, टेक केयर।